कोरोना वायरस के महामारी का रूप लेने के बाद से शेयर बाजार तेजी से गिरे हैं। तेल की कीमत लगातार कम हो रही है और हजारों उड़ानें रद्द हुई हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के दखल के बावजूद न्यूयॉर्क शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। मार्च 2020 ब्रिटिश शेयर बाजार के लिए भी बेहद बुरा साबित हो रहा है। वहीं तेल के दामों पर 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ये वायरस जितना लंबा टिकेगा खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसे देश की आय यानी देश जितना कमाता है और जो खर्च करता है वो लगातार दो तिमाहियों तक गिरे तो इसे मंदी कहते हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है, कीमतें गिरती हैं और लोगों में हताशा छाने लगती है। दूसरी तरफ महामंदी तो मंदी से भी ज्यादा गंभीर होती है। इसमें लंबे वक्त तक गिरावट जारी रहती है जिससे आर्थिक गतिविधियां थमती जाती हैं और ऐसा 3 या इससे ज्यादा बरस तक चलता रहता है।